आप अपने सिस्टम को चला रहे हो और अचानक से आपका माउस खराब हो जाए तो अपने कर्सर को आप कैसे मूव कराएंगे? आप अपने कीबोर्ड का तीनों बटन अर्थात अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस नम लॉक प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करेंगे आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा, आप उसको यस कर दें। अब कर्सर को मूव कराने के लिए अपने कीबोर्ड का न्यूमेरिक की आपको प्रेस करना है। जैसे अगर आपको लेफ्ट ले जाना है तो आपको न्यूमेरिक की का 4 दबाना है, ऊपर ले जाना है तो आपको 8 दबाना है, नीचे लाना है तो 2 दबाना है, और अगर आपको राइट साइड ले जाना है तो आपको 6 प्रेस करना है। ध्यान रखिएगा कि 5 वाली जो बटन होती है वो आपके इंटर का काम करती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।